पढ़े गईले रही कोचिंग में सखी देले बनम बड़ लिख के मंगर के मिले ला बोलैले बा हमके सखी रे 16 तारीख के पढ़े गईले रही कोचिंग में सखी देले बनम बड़ लिख के मंगर के मिले ला बोलैले बा हमके सखी रे 16 तारीख के किनिए के देले बनोए लहंगा झुमका देले बकनवा के किनिए के देले बनोए लहंगा झुमका देले बकनवा के इयारवा राति में बोलावता फुलवारी में फलनवा के इयारवा राति में बोलावता फुलवारी में फलनवा के। हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं हूं सभी का दोस्त राइटर गुड्डू गोल्डन यादव और आज के इस एपिसोड में इस वायरल वीडियो की करते हैं शुरुआत। और शुरुआत करने से पहले आप सभी के लिए एक विशेष जानकारी है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें ताकि आप हमारी वीडियो का समय से नोटिफिकेशन पाते रहें और आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस न करें और वीडियो को देख के आप अपने जीवन में उन्नति के पथ पे आगे बढ़ते रहें। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक को जान लीजिए, हमारा टॉपिक आज का है, थंबनेल को देखने के बाद आप समझ ले होंगे लेकिन टॉपिक बता देता हूँ एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने गाने में अंतरा कैसे जोड़ पाएंगे, कैसे अंतरा ऐड करेंगे। सबसे पहले दोस्त तो आप मुखड़ा बनाते हैं, गाना का मुखड़ा, और मुखड़ा बनाने के बाद में आता है अंतरा। अंतरा पहला होता है और दूसरा होता है। पहले 3 अंतराय 4 अंतराय होती थी, अब अंतराय अंतराओं का संख्या जो कम हो गया है, अभी एक मुखड़ा, मुखड़ा तो एक ही होता है और 2 अंतरा बनता है और 2 अंतरे तक गाना लास्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो चलिए हम अंतरा के टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए यहाँ पे मौखिक अंतरा क्या होता है। दोस्त मुखड़े से जो अंतर निकलता है उसे अंतरा कहा जाता है। जैसे कि पढ़े गईल रही कोचिंग में सखी दिले बा नंबर लिख के मंगर के मिलेला बोलैले बा हमके सखी रे 16 तारीख के। आखिर यहाँ पे आपको अंतरा में स्पष्ट क्या करना है, आपको मुखड़े से अंतर निकालना। मुखड़े से आप अंतर कैसे निकालोगे, तो 4 लाइन है इस गाने में। पहला था पढ़े गईल रही कोचिंग में सखी, एक बार फिर से समझिए, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तो मिस्टेक होगी, नहीं बना पाओगे, फिर कॉल करके पूछोगे मैं बताऊंगा भी नहीं, सो इस वीडियो को देख लीजिए। तो पढ़े गईल रही कोचिंग में सखी दिले बा नंबर लिख के, आखिर नंबर लिख के क्यों दिया है, उन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, वो चीज आपको स्पष्ट करना अंतरा में, पहला लाइन बता रहा हूँ। दूसरा लाइन, मंगर के मिलेला बोलैले बा हमके सखी जे 16 तारीख के, आखिर क्यों बुलाया है, कुछ तो रीजन होगी, वो रीजन आपको अंतरा में स्पष्ट करना है। तीसरा नंबर लाइन है, किनिए के दिले बा नए लहंगा झुमका कनवा के, आखिर कोई किसी को क्यों खर्चा कर रहा है, वो चीज आपको स्पष्ट करना है कि क्यों झुमका और लहंगा खरीद के दिया है। और चौथा नंबर है, यरवा राति में बोला होता फुलवारी में फलाना होता, आखिर दिन में नहीं बुला रात में बुला रहा है, क्या बात हो सकती है, वो स्पष्ट करना आपको अंतरा में। यही चीज है ना जी, सेम जो चीज आपने मुखड़ा में लिखा उसी से अंतर स्पष्ट करके मैंने आपको यहाँ पे छलका दिया। तो मुखड़े से अंतर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, अगर समझ रहे हैं तो आप अच्छा कमेंट करके बताइएगा कि समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अभी तो वीडियो बताएंगे, अभी वीडियो अभी स्टार्ट हुई है, अभी लास्ट तक पहुंचने दीजिए, अभी समझा रहे हैं। तो आपने मुखड़े से अंतर क्या निकाला कि आखिर लड़की जब कोचिंग में गई और कोई लड़का उसे नंबर दे रहा है तो हो सकता है उन दोनों के बीच कोई रिलेशन हो, तो उस रिलेशन को आपको स्पष्ट करना है अंतरा में। उसके बाद में मंगर के मिलेला बोलैले बा, आखिर किस मैटर पे, किस सिलसिले पे उसको बुलाया हुआ है, ये चीज स्पष्ट करना है आपको अंतरा में, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा लाइन है, किनिए के देले बा नए लहंगा झुमका कनवा के, तो आखिर किनिए के नए लहंगा और झुमका जो दिया हुआ है क्यों उसको दिया हुआ है, ये चीज आपको स्पष्ट करना अंतरा में। और उसके बाद में यरवा राती के बोला होता फुलवारी में फलनवा के, तो आखिर दिन में नहीं बुला रहा है रात को ही क्यों बुला रहा है, इसके पीछे का जो कारण है, रीजन है, वो आपको स्पष्ट करना अंतरा में। अब मैंने क्या लिखा है नहीं लिखा है वो मेरे सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से सोचते हो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अभी मेरे को मत बोलिएगा कि नहीं मैं तो ऐसे कर लेता हूँ, वैसे बना लेता हूँ, फलन वैसे करता है, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको कि नहीं इस तरीके से आप निकाल पाओगे, जो बेसिक जानकारी है मेरी, जो एक्सपीरियंस है, जैसे मैं करता हूँ तो वो चीज़ है। इस तरीके से क्या होगा, गाना सूटेबल भी होगा, नहीं तो बहुत सारा लोग ऐसा लिखता है कि मुखड़ा में कुछ और रहता है, अंतरा में कुछ और रहता है, भैया हो तो ई तो चाचा हो तो काका हो, ऐसे ऐसे करने लगता है। जैसे कि एक बहु राइटर है यूट्यूब पे, आप लोग नाम भी बहुत बोले हैं तब समझ भी गए होंगे, जो भाग 1 भाग 2 कहता है कि मेरा है, हाइपोथेलमस के बारे में एक बार हमारा और उसका विवाद हुआ था, सिंहानिया लगाता अपने टाइटल में, जो भी बात है लोगों को बुधू बनाता है, छोड़िए दूसरे का बात छोड़िए, जानता तो कुछ नहीं है, बीच में टपक जाता है किसी भी मैटर में, हाउ हाउ करके रहता है, बीच में
स्टूडियो में देखें कि रिकॉर्डिंग करता है, बीच में कमेंट मारता है और अपने आप को। भाई छोड़िए उसका बात, हटाइए, जाने दीजिए। चलिए अंतरा को स्पष्ट करते हैं, अंतरा में क्या चीज है। मुखड़ा तो मैंने क्लियर कर दिया गाना, अब इधर आपको लिख के भी मिल रहा होगा। अब चलिए अंतरा इधर लिख किया जाएगा, अंतरा को देखिए। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग अंतरा वाले लाइन पे, ध्यान देते हैं कि मुखड़े से अंतर तो हमने स्पष्ट कर लिया कि हाँ ये चीज हमको अंतर स्पष्ट करना है। अब अंतर स्पष्ट करके हमने अंतरा में क्या लिखा है और आप किस तरीके से इस चीज को सोचते हो, तो चलिए आप क्या सोचते हो आप अपने कॉपी पे लिखना शुरू कीजिए। मैंने मुखड़ा बता दिया, अब आप क्या सोचे हो आप अपने कॉपी पे लिखिएगा और मैं आपको इधर बता देता हूँ, ठीक है ना। मेरे इस वीडियो को खत्म होने के बाद में आप एक बार फिर से वीडियो को चालू कर लीजिएगा और अपना कॉपी सामने रखिएगा और आप अपने मन से अंतरा, पहले तो आप मुखड़ा सुन लीजिएगा मेरा और फिर अंतरा लिखने का कोशिश अपने मन से कीजिएगा। इसी गनवा का अंतरा लिखने का कोशिश कीजिएगा, कहीं सेल मत कर दीजिएगा, बस आपको समझा, वरना कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाएगा, गाना मत चोरी कीजिएगा, ठीक है। तो आप अपने से लिखने का कोशिश कीजिएगा कि आप क्या लिख रहे हो और मैं देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। इसमें अंतरा क्या, कैसे करी मना वो के कुछ हो ना बुझाता, जहूं मैं सौखी रे दिल घबराता, कैसे करी मना वो के कुछ हो ना बुझाता, जहूं मैं सौखी रे दिल घबराता, कहे कुआरे में हमरा के दे दो जवन देबू सजनवा के, कहे कुआरे में हमरा के दे दो जवन देबू सजनवा के, यारवा रति में बोलावता फुलवारी में फलनवा के, यारवा रति में बोलावता फुलवारी में फलनवा के। तो मैंने अंतर क्या स्पष्ट किया, मैंने शुरू में बोला था कि पढ़े गई रही कोचिंग में सखी दिले बा नंबर लिख के, मंगर के मिले ला बोलेले बा हमके सखी रे 16 तारीख के। यानी लड़की जाएगी कि नहीं जाएगी वो उसके इच्छा पे डिपेंड करता है, वो तो नंबर लिख के दे दिया, अब इस रिलेशन को एक्सेप्ट करना चाहती है कि नहीं करना चाहती, उसका दिल जाने उसका मन जाने। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा है कि लड़की उसके बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, उसका जो भी मन में मनसूबा है उस पर पानी फेरना चाहती है। तो लड़की कह रही है कैसे करी माना वो के कुछ नहीं बुझाता। मान लेते हैं कि आपको बोले किनिए के दिले बा नया लहंगा झुमका कनवा के, तो झुमका कनवा का दिया लहंगा भी दिया खरीद के, तब सोच रही है कि मना कैसे करे, फिर लग रहा है कि नहीं हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, तो वहां पे मना कर रही है। कैसे करी माना वो के कुछ ना बुझाता, कह रही है कि कैसे करी माना वो के कुछ ना बुझाता, जहूं में सखी रे दिल घबराता, जहूं में सखी रे दिल घबराता, कहे कुंवारे में हमरा के दे दो। अब देखिए बोले था ना कि आखिर क्यों बुला रहा है मुखड़ा में, है ना कि यारवा राती में बुला होता फुलवारी में फलन वागे, आखिर क्यों बुला रहा है। मुखड़ा का जो लाइन है उसको स्पष्ट करना, कहे कुंवारे में दे दो जवन देबू सजन वागे, यानी प्यार मोहब्बत की बात है या उसके मानसिकता में क्या चल रहा है वो जाने, मतलब लाइन्स है। अब लाइन्स का मतलब आप क्या निकालेंगे वो आपके ऊपर है। कहे कुंवारे में हमरा के दे दो जवन देबू सजन वागे, और फिर जो पंच लाइन है जो कि हमेशा चलते रहता है, पंच लाइन जो होता है मुखड़ा में भी आता है, पहले अंतर में भी आता है, लास्ट अंतर में भी आता है, पंच लाइन, यारवा रति में बोलावता फुलवारी में फलनवा के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, कोई आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगला जो टॉपिक होगा, जो लोग बढ़िया कमेंट करेगा, जो बढ़िया सवाल करेगा, सबसे पहले मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा और उम्मीद है कि वो वीडियो आप देखोगे और आप अच्छा से सीख भी पाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बाकी अगर कोई कमी है जैसे मैंने अभी बताया कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो बेशक बड़ी थी लेकिन बहुत ही हेल्पफुल थी, और ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं रोजाना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मजबूत बनाएं, हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। अगर आप कोई भी भोजपुरी का सॉन्ग लिखवाना चाहते हैं तो आप सॉन्ग लिखवा सकते हैं, पर्सनली सॉन्ग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन पसंद के हिसाब से आप सॉन्ग बनवा सकते हैं। आपको जो भी सॉन्ग चाहिए भोजपुरी का मिल जाएगा, उचित रेट पे मिल जाएगा, बढ़िया सॉन्ग मिलेगा मार्केट में बजने वाला। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को प्यार देंगे, सराहेंगे। जय हिंद।